हेलो एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह पे मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और हाँ, ये जो हमारी सीरीज़ है वो यूपीएससी सीसैट और स्टेट पीएससी सीसैट को बेस मान के ये क्लास चल रही है। प्लस अगर वन डे एग्ज़ाम वाले भी इसको देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ना सोचे कि ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और हमने इस सीरीज़ में, जो कि मैंने बताया था कि घटना चक्र से मैं चीज़ें करवा रही हूँ, तो इसी सीरीज़ में हमने नंबर सिस्टम दैट इज़ संख्या प्रणाली और एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट कर दिया है। और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में आपके यूपीएससी में और स्टेट पीएससी वगैरह में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, वो भी मैंने करवा दिया है दो दो वीडियो लेके। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में वो बेनिफिशियल होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उससे रिलेट करके यहाँ पे, अगर उसको आपने नहीं देखा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस यही इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो चलते हैं विदाउट एनी डिले अपने टॉपिक पे स्विच करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, औसत है, दैट इज़ एवरेज। तो एवरेज होता क्या है? अब मैंने दो टॉपिक आपको पढ़ाया है संख्या प्रणाली में, मैंने उसमें आपको फॉर्मूलेज कुछ बताए हैं कि स्टार्टिंग के जो एन नंबर की प्राकृतिक संख्या आपकी दी हुई है तो उसका हम सम कैसे निकालेंगे, उसका योग कैसे निकालेंगे, किस फॉर्मूले से। विषम संख्या दी रहे और उस पर उसका वर्ग दिया रहे तब कैसे योग निकालेंगे, वो हमने नंबर सिस्टम वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। प्लस अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज है, तो एवरेज में आएगा मीन, माध्य। डेफिनेशन में आपके लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ये घटना चक्र से ली हुई हूँ, मैं आपको लेमन लैंग्वेज में भी समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने मीन मीडियन मोड वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो आप डेफिनेशन क्या है एवरेज का, औसत का, तो है ये सजातीय राशियों के अंकगणित माध्य को, ठीक है, माध्य को ही औसत कहते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठिएगा जिससे आप ये सारी चीज़ें, ये फॉर्मूलेज नोट डाउन कर सकें। तो अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है क्लास, क्योंकि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के, बिना पेन कॉपी के आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आता है सजातीय राशियों का अंकगणित माध्य को ही हम औसत कहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, या लेमैन लैंग्वेज में हम समझते हैं कि क्लास में किसी बच्चे के पास 5 पेन है, किसी बच्चे के पास 10 पेन है, किसी के पास 2 पेन है, किसी के पास 3 पेन है, ऐसे ही अलग अलग पेन की संख्याओं का बच्चों के पास, स्टूडेंट्स के पास है। तो आप क्या करते हो, आप सबका पेन लेके इकट्ठा करके और इसके बाद इक्वल नंबर में सारे स्टूडेंट्स को बांट देते हो। हालांकि ये हाइपोथेटिकल है, कोई बच्चा पेन अपना दूसरे को क्यों देगा, ठीक है, लेकिन एवरेज का जो मतलब है कि कोई नंबर रहे और कोई संख्या रहे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो लोगों में, दैट इज़ कॉल्ड एवरेज। तो आपने इस क्लास में बराबर बराबर हिस्सों में उस पेन को बांट दिया, सपोज़ करिए दो दो पेन सारे बच्चों को बांट दिया, सपोज़ 30 बच्चे हैं क्लास में और सबके पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन्स हैं, तो पेन आपने लिया और सपोज़ करिए 60 पेन सबको मिला के 60 पेन निकला और आपने दो दो पेन 30 बच्चों को बांट दिया, तो वो दो जो है वही एवरेज कहलाता है, ठीक है। इसमें ऐसे ही जब हम बोलते हैं ना कि एवरेज मार्क्स उस क्लास का इतना रहा, सपोज़ कोई बच्चा 35 नंबर पाया किसी सब्जेक्ट में, सपोज़ है मैथ्स की बात ले लीजिए, कोई बच्चा 30 मार्क्स पाया, कोई 35 मार्क्स पाया, कोई 25 मार्क्स पाया, ठीक है, 50 में, और कोई 40 मार्क्स पाया, तो आप क्या करते हैं, मार्क्स सारे बच्चों के मार्क्स को जोड़ के कितने बच्चे हैं उससे आप डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। तो सिंपल भाषा में सभी संख्याओं को कलेक्ट करके और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना इज़ नोन एज एवरेज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। घर में 3 बच्चे हैं, एक के पास 10 चॉकलेट है, एक के पास 8 चॉकलेट है, एक के पास 6 चॉकलेट है, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए एक के पास 8 चॉकलेट है, एक के पास 6 चॉकलेट है, एक के पास 10 चॉकलेट है। अब आपको एक लड़ाई हो रही है तीनों बच्चों में, तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि तुम्हारे पास 10 है, तुम्हारे पास क्या है, कितना है, 8 है, तो ऐसा करो, ऐसा तो आपस में बांट लो कि सारे संख्याएँ क्या हो जाए,
बराबर हो जाए, बराबर बराबर तुम लोग को मिल जाए, तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करोगे और डिवाइडेड बाई तीन संख्याएं हैं तो तीन से डिवाइड कर दोगे। क्या आ गया, 8 और 6 14 14 प्लस 10 24 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 24 डिवाइडेड बाई 3 और 8 आ गया ये। इट मीन्स दैट जो एवरेज हो गया तीनों के चॉकलेट्स का, तीनों बच्चों के पास जितने चॉकलेट्स थे उनका एवरेज कितना हो गया, आपका 8 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसी को हम इस मेथड से, फॉर्मूले से ना करके हम कैसे कर सकते हैं, हमने माध्य में पढ़ा था, ठीक है, मीन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इस डेफिनेशन में यही है कि सजातीय राशियों के अंकगणितीय माध्य को औसत कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर सजातीय, इसमें सजातीय का मतलब है कि सिमिलर क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी। जैसे सपोज कर लीजिए, अब आपको 4 मीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 इंच दिया हुआ है, और आपसे पूछता है कि इसका एवरेज बता दीजिए हमको, इसका औसत बता दीजिए कितना निकलेगा। तो सबसे पहले आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको, एक यूनिट में कन्वर्ट करके इसके बाद आप इसका माध्य एवरेज औसत निकालोगे, ठीक है। तो विजातीय मान नहीं होना चाहिए, विजातीय राशि नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो क्वांटिटी होनी चाहिए, जो आपकी क्वांटिटी है वो सिमिलर यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम माध्य के उससे माध्य वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं, तो हमने क्या, उसमें हमने क्या सीखा था कि हमने, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, अपने से अज्यूम कर लेते हैं कि ये इन तीनों संख्याओं का माध्य है। सपोज कर लीजिए 7, हमने मान लिया कि इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का जो माध्य है वो कितना है, 7 है। ध्यान से देखिएगा, ये 7 है। इट मीन्स अब ये 7 से कितना ज़्यादा है, तो ये देखिए 7 से ये 1 ज़्यादा है, तो +1 यहाँ कर दीजिए। अब 6 जो है वो 7 से कम है, -1 कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद ये 10 जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है, तो 3 का ज़्यादा है, तो यहाँ +3 कर लेंगे, ज़्यादा को प्लस और कम को माइनस करेंगे। अब यहाँ से अब तीनों संख्याओं को आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे अभी तो ये छोटी संख्या है, लेकिन जब बड़ी संख्या आपको कैलकुलेट करने को आएगी एवरेज, तो आप उसमें फंस जाओगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए हम पहले ऐसी संख्या कोई भी चूज़ कर लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। माइनस, अब प्लस में अगर इन साइन के साथ हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है, +1 -1 +3 कितना आ गया, ये 3 आ गया। कितने नंबर हैं, 1 2 3, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब ये प्लस का 1 आ गया, ये प्लस में आया है। इट मींस जो हमने एवरेज माना था उसमें हमको ये वाली संख्या ऐड करनी है, मतलब ऐड करनी है, तो एवरेज कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। अब सपोज कर लीजिए कि हमने माना होता कि एवरेज हमारा जो है 10 है, ठीक है, हमने माना होता एवरेज जो हमारा है वो 10 है, तो 10 में आपको क्या करना होता, कुछ भी आप संख्या मान सकते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या माना। हमने 10 माना, अब 10 से 8 कितना कम है, ये माइनस का 2 कम है, ठीक है, और ये 6 माइनस का 4 कम है, और 10 जो है ये 0 कम है इससे, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। इसके बाद हमने क्या बोला था कि इसको माइनस के साथ रखना है, मतलब -2 -4 और +0 कितना आ गया, -6 आ गया, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3, तीन संख्याएं हैं, तो ये माइनस का 2 आ गया, ठीक है, माइनस का 2 आ गया। इसका मतलब जो संख्या हमने एवरेज अज्यूम किया था वो उसमें से इस संख्या को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 - 2 आ जाएगा, दैट इज 8, एंड दिस इज़ योर एवरेज। अब समझ में आया कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज क्या होता है, बस जिसके पास ज़्यादा नंबर है और जिसके पास कम नंबर है, ज़्यादा वाले का नंबर लेके कम वाले नंबर को ऐसा बांट दीजिए कि उन दोनों नंबर, दोनों के पास बराबर बराबर चीज़ें या संख्याएं या कुछ भी बराबर बराबर आ जाएं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एवरेज कुछ भी नहीं है, बस आपको इसी डेफिनेशन पे रहना है कि आपको इक्वली हर चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, चाहे उसके से मार के लो, चाहे जैसे हाइपोथेटिकली लेते हैं। अब बात आती है, सपोज कर लीजिए, फिर से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है, आपसे अगर बोला जाए कि 10, 12, 16 और 18 इनका एवरेज हमें बता दीजिए, तो सबसे पहला वाला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, पदों का योग डिवाइडेड बाई पदों की संख्या। लेकिन हम इस फॉर्मूले से नहीं जाएंगे। अगर आपको जो मेरा ट्रिक है वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, तो बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है।
इस फॉर्मूले से कैसे करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है, इन संख्याओं को जोड़ देंगे और जितने नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 इससे इसको भाग दे देंगे। इसका मतलब 10 और 12 22, 22 और 16 कितना हो गया 32, 38 और 38 प्लस 18 48 और 8 56, मतलब 56 डिवाइडेड बाई 4 और इसका वो जो एवरेज आ जाएगा आपका ये आ जाएगा 14 आ जाएगा ना 14। तो अब इस फॉर्मूले से आपको, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, जोड़ घटाना आपका अच्छा है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। लेकिन जो हमने आपको ट्रिक बताया है उससे आपका जो सोल्यूशन है प्लस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कभी कभी हम हड़बड़ाहट में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही गलत कराते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या लेनी है, सपोज कर लीजिए हमने 12 ले लिया एवरेज, ठीक है, अब 12 ले लिया एवरेज, तो 12 से पहली संख्या कितनी कम है ये मैं दूसरे अंक से करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। 10 जो है 12 से कितना कम है, -2 का कम है, 12 जो है 12 से कितना कम है, 0 कम है, 16 जो है वो 12 से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा को प्लस लिखेंगे और कम को माइनस लिखेंगे, 16 12 से 4 ज़्यादा है, 18 12 से कितना ज़्यादा है, प्लस का 6 लिखेंगे यहाँ पे। अब आपको इसको जोड़ने के कंपैरिजन में इसको जोड़ना घटाना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम ये मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो -2 +0 +4 +6 नंबर कितने हैं आपके 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से -2 +4 ये 2 आ गया, 2 + 6 8 आ गया और 8 / 4 दैट इज प्लस का 2 आ गया, ठीक है। प्लस का 2 का मतलब जो हमने एवरेज माना था उसमें इसको ऐड करना है, इट मीन्स आपका जो फाइनल एवरेज आएगा वो कितना आ जाएगा प्लस का 14, एवरेज जो आ जाएगा वो आपका 14 आ जाएगा। अब हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या कैसे, ये देखिए बड़ी संख्या हम लेंगे, सपोज कर लीजिए हमने लिया 356 355 359 350 360, ठीक है 360 ले लिया हमने। अब यहाँ पे 4 संख्याएं हमारी दी हुई हैं, आप कितने भी नंबर ले सकते हो। अब हमने अज्यूम कर लिया कि 355 हमारा एवरेज है, क्या है हमारा जो एवरेज है वो 355 है, ये फाइनल एवरेज नहीं है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है, आप एक साइड इसको लिख लीजिए। अब इससे कंपैरिजन करिए 355 से ये कितना ज़्यादा है, तो 355 से ये +1 का ज़्यादा है, ठीक है, ये कितना ज़्यादा है 0 का ज़्यादा है, फिर 359 जो है वो कितना ज़्यादा है 355 से, तो ये प्लस का 3 ज़्यादा है तो प्लस कर रहे हैं और अगर कम होता तो माइनस कर देते। 360 कितना ज़्यादा है 355 से, तो ये प्लस का ज़्यादा है। अब इसको हम +1 +0 +3 +5 हम दो तीन सबको साइन के साथ ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है 4। अब ये यहाँ से कितना आ जाएगा 9 / 4 5, इट मीन्स ये पॉजिटिव में संख्या आई, इट मीन्स जो हमने एवरेज माना था वो 355 था, इसमें 2.25 को ऐड करना है, इट मीन्स 357.25 ये जो आ जाएगा ये आपका फाइनल औसत आ जाएगा, फाइनल एवरेज आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या रहे आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, उसको साइन के साथ कितना ज़्यादा कम है आप उसको करके इसके बाद साइन के साथ आपको ऐड करना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपने कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज पे। फॉर्मूले पे स्विच करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी, जैसे कोई एन नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, सम विषम संख्या क्या होता है, सहभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब आप संख्या प्रणाली वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हमने आपसे पूछा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक सपोज कर लीजिए मैंने आपसे पूछा कि इन संख्याओं का एवरेज आपको बताना है, तो आप क्या करोगे, निकालोगे इसको, ठीक है। मैंने तो बोल दिया कि इसका एवरेज 4 है, मैंने बोल दिया इसका एवरेज 4 है ऐसे देखते ही, लेकिन ये कैसे किया गया आप देखिए, यहाँ पे 1 है, अब 1 प्लस कैलकुलेट कर लीजिए फॉर्मूले से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर है और इसको डिवाइड कर लीजिए। और इसके बाद हमने ये भी बोला था कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, एन
इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। कैसे होता है, यहाँ से पहले निकालते हैं 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28, 28 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 4। ठीक है, तो इसका एवरेज जो आ गया 4 आ गया, मैंने बोला था कि इसका एवरेज 4 है। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे हो कैसे किया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की, जो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन, सेवन इंटू एट एन इंटू एन प्लस एन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो इस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 28। ठीक है, इनका सम कितना आ जाएगा 28। लेकिन जब हम इसी नंबर को, इनके सम को जब हम n से डिवाइड कर देंगे तो आपको नहीं लगता हमारा एवरेज आ जाएगा, ये तो इन संख्याओं का सम हुआ ना, योग हुआ ना। अगर हम ये कितनी संख्याएं हैं उससे अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तब भी 4 आ जाएगा, मतलब एवरेज आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब हम सीधे लिख सकते हैं कि अगर आपकी n प्राकृतिक संख्या दी हुई है, n प्राकृतिक संख्या दी हुई है तो उसका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। कैसे हुआ, सम कितना है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको n से अगर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यही हमारा एवरेज आ जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो n प्लस 1 होता है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर समझ बन गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रही है समझ तो इस फॉर्मूले को रट लीजिए। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं एग्जांपल, सपोज कर लीजिए आपसे कोई 10 या फिर 9 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछा है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि आप हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का एवरेज बता दीजिए कितना है। तो आप क्या करोगे, जो n है, मतलब n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5। तो आप कहोगे कि अच्छा ये तो बहुत सरल है, 9 को 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 5 जो होगा वो एवरेज आ जाएगा। अब इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। ये देख लीजिए कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा आपके लिए, डिवाइडेड बाई 9। अब यहाँ से 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 9 45, तो 45 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एवरेज वही आ रहा है और इस फॉर्मूले से भी यही एवरेज आ रहा है। और प्लस एक आसान सा ट्रिक ये है कि जब ये संख्याएँ ऑड दी हुई हों, ठीक है, जैसे आपसे कहा कि वह 1 से 29 तक की संख्याओं का एवरेज बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। इट मीन्स ये जो 15 है इनके बीच में आ रहा है, तो इट मीन्स जो मिड टर्म होता है इन संख्याओं का, जो मिड टर्म होता है वही आपका क्या हो जाता है, औसत हो जाता है, एवरेज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे आपसे कोई पूछे कि 1 से 49 तक के प्राकृतिक संख्याओं के बीच का एवरेज निकालिए, क्या 1 से 1 to 49 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए, तो आप क्या करोगे, 49 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25 आंसर। ऐसे आपसे कोई कहे कि 1 से 99 तक 1 to 99 का एवरेज, प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना है आपको, तो क्या कर दोगे, सीधे 50 कर दोगे ना, 99 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 50। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगर आप उस वाले मेथड से करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, तो आप सोचिए कितना टाइम लगता है आपको। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, 1 से 125 के बीच में अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से 125 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, मतलब औसत क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 125 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 126 डिवाइडेड बाई 2 63। इसका मतलब 63 जो होगा वो 1 से 125 के का प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे आपको इसी वाले मेथड से करना है। ठीक है, आपको और ये देख लीजिए, ये ऑड, ठीक है,
ये ऑड नंबर के लिए नहीं वैलिड है, ये इवन नंबर के लिए भी वैलिड है, विषम संख्या के लिए भी वैलिड है। अगर आपसे कोई पूछता है एक से सौ के बीच का नेचुरल नंबर दिया हुआ है, एक से सौ के बीच का के प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 101 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ कितना हो जाएगा, 50.5 जो हो जाएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। और अब आई होप आपको अब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप नहीं फंसोगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले पे, ठीक है। अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, सपोज कर लीजिए आपसे पूछता है कोई कि एक का स्क्वायर दिया हुआ है, दो का स्क्वायर दिया हुआ है, तीन का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन, सपोज कर लीजिए 100 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, छोटी संख्या पहले लेते हैं फिर बड़े पे जाएंगे, ठीक है, सपोज कर लीजिए ऐसे 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आपका फॉर्मूला मैंने आपसे बताया था कि n इंटू एन, जब ये ऐसी संख्याएं दी रहे हैं, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर वर्गों का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये तो सम हो गया, लेकिन जब हम एवरेज निकालते हैं तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको n से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही आपका फॉर्मूला बन गया, कब का, जब n प्राकृतिक संख्या के वर्ग दिए हुए हों और आपसे उसका एवरेज पूछा जाए। तो यहाँ पे जैसे 9 तक की संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पे जो हमारा n आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 9 प्लस 8 9 प्लस, ध्यान से 9 प्लस 1 10 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये कितना आ गया, ये हो गया 10 इंटू 9 दुनी 18 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 19 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3, और ये 5, ये 19 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 45 4, और यहाँ से ये 95 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 और 6 ऐसे 9, तो 31.67 जो हो जाएगा ये आपका एवरेज हो जाएगा, ये अगर ऐसी संख्याएं दी रहें तो, ठीक है, अगर वर्ग पूछा जाए आपको तो इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ये कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर आता है अगर आपको n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज निकालना रहे, तो घनों का एवरेज कैसे निकालना रहेगा, उसका अगर एवरेज निकालना रहेगा तो सिंपली आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्यों करा है, क्योंकि हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है, ये देख लीजिए, मैंने बताया था आपको कि जब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 का डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये n स्क्वायर हो गया, अगर हम इसको n से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी संख्या को, तो यहाँ से ये भी n स्क्वायर, ये भी n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n इंटू एन हम लिख सकते हैं इसको बाहर करके, और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 इंटू एन, यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा और यही वाला फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला भी आपको पता चल गया होगा। और जब विषम संख्याएं दी हुई हों, n विषम संख्याएं दी हुई हों, तो उसका एवरेज जो होता है वो n होता है, और जब n सम संख्याएं दी हुई हों तो उसका एवरेज जो होता है वो n प्लस 1 दे होता है। जैसे अब इसके बाद ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया कि एवरेज क्या होता है। देखिए सीसैट में हमेशा हर साल यूपीएससी में एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम जो होता है एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो अगर आप आधे घंटे अपने इन्वेस्ट करके इस टॉपिक को सीख जाते हैं तो आपका एक नंबर दो मतलब एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अब चलते हैं प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत, सपोज कर लीजिए 1 3 5 7 9, ठीक है, प्रथम n विषम संख्याएं, ये विषम संख्याएं दी हुई हैं और पांच संख्या है इसकी, जो एवरेज होगा वो n 5 ही हो जाएगा। कैसे,
अब सपोज कर लीजिए इसको हम निकाल के देखते हैं, वैसे तो हमने इस फॉर्मूले से सीधे लिख दिया n, देख लीजिए फॉर्मूले का कितना टाइम कितना बचाएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको 1+3+5+7+9/5 हम दूसरे वाले मेथड से अपने वाले मेथड से करेंगे ट्रिक से भी, ठीक है। तो 1+3 4, 4+5 9, 9+7 16 and 16+9 that is 25 and divided by 5 that is equal to 5। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपने ट्रिक से करते हैं कि पहले हमने एवरेज अज्यूम कर लिया और इसके बाद क्या कर दिया, एवरेज हमने अज्यूम किया और इसके बाद उस पर प्लस माइनस कर दिया। सपोज़ कर लीजिए हमने एवरेज माना 7, ठीक है, हमने एवरेज माना 7। अब 7 से 1 कितना कम है, तो माइनस 6 की कमी है इसमें, और 7 से 3 कितना कम है, माइनस 4 की कमी है इसमें, 5 में माइनस 2 की कमी है, 7 में 0 की कमी है, और 9 में कितने की कमी है, माइनस 2 की कमी है, सॉरी ये कितना ज़्यादा है इससे, ये प्लस का 2 ज़्यादा है इससे, ठीक है। अब यहाँ से सीधे एक और कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप कह सकते हो माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 2। साइन के साथ आपको इसलिए लिखना है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपको जो अपने एवरेज अज्यूम किया है उसमें ये नंबर घटाना है या जोड़ना है, ठीक है। यहाँ से माइनस आ गया, तो माइनस का मतलब हुआ कि हम 7 से माइनस 2 माइनस करेंगे, तो ये आपका जो फाइनल एवरेज आएगा वही आपका औसत हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप इतना ज़्यादा माथापच्ची करने की बजाय आप सीधे ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, और अगर फॉर्मूला ना याद रहे तो ये मेथड जो है वो यूनिवर्सल है, ये ट्रिक यूनिवर्सल है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कुछ भी छूटा रहेगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट क्या है, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, एन प्लस 1 है, ठीक है। अगर प्रथम एन सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो एन प्लस 1 हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि आपसे बोला गया है सम संख्याएं पूछा गया है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, आपसे 6 संख्याएं दी हुई हैं और इसका एवरेज पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6+1 7 जो हो जाएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। अब कैसे हुआ, आप सीधे यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, अब इसके बीच में ये वाली संख्या आएगी, दोनों के बीच में गैप कितने का है, प्लस 2 का है, मतलब ये वाली संख्या जो होगी ये कहीं ना कहीं 7 होगी, और 7 ही आपका एवरेज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ये देख लीजिए कितना आसान है ये। अब हम अपने वाले मेथड से करेंगे, अपने वाले मेथड से कैसे करेंगे, अपने वाले मेथड से, ये इस वाले मेथड से तो आ गया ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6+1 that is 7, और 7 जो है सम संख्याओं का, प्रथम सम संख्याओं का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे अपने वाले मेथड से कैसे करेंगे, अपने वाले ट्रिक से कैसे करेंगे, तो आप कोई भी संख्या, आप इसको मान लीजिए 8 है इसका एवरेज, ठीक है, 8 एवरेज है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये कितना कम है, यहाँ पे माइनस 6 की कमी है, यहाँ पे माइनस 4 की कमी है, यहाँ पे माइनस 2 की कमी है, यहाँ पे 0 की कमी है, यहाँ पे प्लस 2 ज़्यादा है, और यहाँ पे प्लस 4 ज़्यादा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, और माइनस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्याएं हैं, मतलब माइनस 1, और इसको जब हम माइनस करेंगे इस संख्या से तो आपका फाइनल आंसर यही निकल के आएगा और यही आपका एवरेज हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे, क्योंकि आपकी CSAT जो परीक्षा होने वाली है सितंबर में UPSC पे फोकस करके, तो उससे पहले आपका मैथ्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करा देंगे, और जिससे आपको CSAT में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से CSAT क्वालिफाई कर लोगे, इतनी मैं गारंटी आपको देती हूँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।